जब चारों लोकसभा सीट की प्रत्याशियों की घोषणा होने के साथ साथ में हमें मालूम पड़ा पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इस मांडव ऋषि की धरती मंडी से इस मंडी की बेटी कंगना राव चुनाव में उतरेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। चारों तरफ कांग्रेस के नेताओं को इस बात को लेकर के बेचैनी हो गई और उसमें स्वाभाविक रूप से चुनाव का यह दौर है, उनको लगा कि हिमाचल निकल रहा है हाथ से, ये मंडी थोड़ी सी पकड़ के रखी है, इस मंडी भी हाथ से निकलने जा रही है। तो कांग्रेस की एक नेत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता एक सोशल मीडिया के माध्यम से जिसका नाम सुप्रिया श्रीनेत है अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एक बहुत ही भद्दी बेहुदा टिप्पणी की कंगना जी पर और कंगना जी के साथ साथ में हमारी मंडी मांडव ऋषि की धरती मंडी पर भी की। और छात्रों को मालूम नहीं है ये मंडी का नाम कैसे हुआ है, मंडी ये मंडी सब्जी मंडी नहीं है, अनाज मंडी नहीं है, ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस भाव को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम से पड़ा है। महर्षि मार्कंडे इसी धरती पर और ऐसे हालात में इस प्रकार से वो टिप्पणी की और टिप्पणी के बाद कांग्रेस के नेता कांग्रेस के पदाधिकारी आगे कमेंट करते रहे सोशल मीडिया में। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिबटल किया उसका जवाब दिया तो सुप्रिया जी कहती है मैंने डिलीट कर दिया है वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल जो है उसकी एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है और मैं इस सारी चीज के लिए खेद व्यक्त करती हूं ऐसे भी कहा उन्हें। अरे खेद व्यक्त करने से काफी नहीं हो पाएगा, ये उनको इस बात को समझना होगा कि अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये जारी किया है तो वो व्यक्ति कौन था, उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक, उसके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ IT Act के अंतर्गत, इस पर चुप्पी है। विभाग के तो इस बात का एक महिला के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करती है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं। भाई और बहनों में ये कहना चाहता हूं अभी कंगना जी तो मंडी आई नहीं लेकिन उससे पहले ही उनकी इस प्रकार की मानसिकता सामने आ गई।